दुनिया के टॉप 10 रईसों में शुमार वॉरेन बफेट दिग्गज निवेशक और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन हैं। अमीरों की लिस्ट में शामिल होने के साथ ही बफे परोपकार करने वाली शख्सियतों में भी सबसे ऊपर आते हैं। इस वक्त वो अपनी वसीयत यानी विल बदलने को लेकर सुर्खियों में है, जिसमें खुलासा किया है कि उनकी मौत के बाद उनकी संपत्ति किसके पास जाएगी। तो आइए जानते हैं वॉरेन बफे की संपत्ति कितनी है और बदली वसीयत के मुताबिक अब उनकी संपत्ति के हकदार उनके बाद कौन होंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक 93 साल के वॉरेन बफे की टोटल नेटवर्थ 128 अरब डॉलर है। दुनिया भर के अमीरों की सूची में बफे 10वें पायदान पर हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी 118 अरब डॉलर के साथ इनसे ठीक एक पायदान नीचे यानी कि 11वें स्थान पर हैं। बफे और अंबानी की पोजीशन में भले ही एक पायदान का अंतर हो, लेकिन दोनों की दौलत में 10 अरब डॉलर का एक गैप है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की नेटवर्थ 157 अरब डॉलर है। अमीरों की सूची में बिल गेट्स 7वें नंबर पर है। ये आंकड़ा 2 जुलाई 2024 तक का है। वॉरेन बफे ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को हाल ही में दिए इंटरव्यू में भविष्य में अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर वसीयत में बदलाव का जिक्र किया। दिग्गज निवेशक ने कहा कि उनकी वसीयत को अपडेट किया गया है ताकि उनकी मौत के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को जाने वाले चंदे पर रोक लगाई जा सके। इसका मतलब है कि बफे की मौत के बाद गेट्स फाउंडेशन को उनकी ओर से कोई चंदा नहीं अब मिलेगा। वसीयत में बदलाव के मुताबिक बफे की संपत्ति नए चैरिटेबल ट्रस्ट को जाएगी जो उनके तीनों बच्चों के देखरेख में काम करेगा। बफे ने बताया कि उन्हें अपने बच्चों के मूल्यों पर दृढ़ विश्वास है और उन्हें उम्मीद है कि बच्चे उनकी परोपकारी विरासत को सही ढंग से संभाल लेंगे और इसी वजह से अपनी वसीयत में वो ये बदलाव कर रहे हैं। हालांकि वसीयत में बदलाव के बावजूद बफे जीवन जब तक रहेंगे तब तक गेट्स फाउंडेशन को चंदा देना वो जारी रखेंगे। बफे ने इससे पहले कहा था कि उनकी दौलत का 99% से ज्यादा हिस्सा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और परिवार से जुड़े 4 चैरिटेबल ट्रस्ट में जाएगा, जिसमें सूजन थॉमसन बफेट फाउंडेशन, शेरवुड फाउंडेशन, हार्वर्ड जी बफेट फाउंडेशन और नोवा फाउंडेशन शामिल है। बर्कशायर हैथवे ने हाल ही में ऐलान किया है कि बफे की करीब 9000 क्लास ए शेयरों को 1.3 करोड़ क्लास बी शेयरों में तब्दील कर रहे हैं। इनमें से 93 लाख शेयर बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन ट्रस्ट को जाएंगे, बाकी बचे शेयर बफे फैमिली से जुड़े 4 ट्रस्ट को जाएंगे। पिछले साल बफे ने अपने परिवार के 4 ट्रस्ट को 87 करोड़ डॉलर, जबकि 2022 में करीब 75 करोड़ डॉलर का दान दिया था। बफे के पास बर्कशायर हैथवे के 2,07,000 से ज्यादा क्लास ए शेयर हैं और 2,586 क्लास बी शेयर बचे हैं, जिनकी वैल्यू अभी करीब 128 अरब डॉलर है। अब जानिए कि भारत में दान देने में कौन है सबसे आगे। ईटल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 हमें बताती है कि दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नदार भारत के सबसे बड़े दानी हैं। उनका सालाना डोनेशन 2042 करोड़ रुपए का है और प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो ये डोनेशन लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। वहीं विप्रो के अजीम प्रेम जी 1774 करोड़ का दान करके दूसरे, जबकि 376 करोड़ के दान के साथ मुकेश अंबानी तीसरे पायदान पर हैं। वॉरेन बफे के इस विल के पूरे किस्से से आपने क्या सीखा? पहली बात, वसीयत जरूर बनाएं ताकि आपकी दुनिया से जाने के बाद आपकी संपत्ति का बंटवारा आपकी मर्जी के मुताबिक हो सके। दूसरी बात, वसीयत को लाइफ टाइम यानी जीवित रहने के दौरान आप कभी भी और कितनी बार भी बदल सकते हैं। और तीसरी बात, वसीयत की ऑथेंटिसिटी के लिए उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्टर जरूर करवाएं।